subscribe to our YouTube channel VanFin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. VanFin, discover opportunities, create wealth. Director Mr. Girish Agarwal साहब मेरे साथ जुड़ते हुए. Agarwal साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर सर आपका. इस कंपनी डीबी कॉर्प को लेकर ऑफ लेट चिंता रही है. बैक टू बैक हमने देखा था पिछले कुछ क्वार्टर से खराब प्रदर्शन. इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर भी डीमोनेटाइजेशन के फेवरेबल बेस के बावजूद परफॉर्मेंस ठंडा रहा था. पर आप मुझे समझाएं, तस्वीर किस हद तक बदली है, हालात किस हद तक सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? हालात काफ़ी कुछ सुधरे हैं कंपैरेटिवली. जैसे हमारा जो चौथा क्वार्टर अभी क्लोज हुआ है उसमें स्ट्रॉन्ग सिंगल डिजिट की ग्रोथ हमारे पास आई है. इसका कारण यह है कि जो कैटेगरीज हैं विज्ञापनदाताओं की, ऑटोमोबाइल की, रियल एस्टेट की, ऑटोमोबाइल तो काफ़ी अच्छा कर रहा है लेकिन रियल एस्टेट कैटेगरी जो बिल्कुल ही टूट गई थी थोड़ी थोड़ी वापस बनना शुरू हुई है. और इसके चलते हुए थोड़ा सा हमको लग रहा है कि आगे भी ये अगले क्वार्टर जो दिख रहे हैं हमको वो पॉजिटिव दिख रहे हैं. तो कंसर्न वही था प्रिंट एड रेवेन्यूज जो पिछले क्वार्टर भी गिरते हुए नजर आए थे, अब आप कह रहे हैं वो हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं. तो जो दिक्कतें थी रियल एस्टेट को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस को लेकर, तमाम मैं सेगमेंट्स देख रहा था आपके परफॉर्मेंस के, तो अब आप कह रहे हैं वो हालात, स्थिति खराब होना खत्म हो चुकी है, हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं. तो अब एक्सपेक्ट करूं Q4 का परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ नजर आएगा और यहां से सब्सिक्वेंट क्वार्टर शायद परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ लगातार कंटिन्यूसली हम देख सकते हैं ना? इसका एक कारण और भी रहा है कि अगर आप देखें अभी लीडरशिप रिपोर्ट आई थी, इंडियन लीडरशिप सर्वे, उस रिपोर्ट ने भी बताया कि अखबारों की पाठक संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है. क्योंकि क्या हुआ था, पिछले 3 साल से रिपोर्ट नहीं आ रही थी तो एक माहौल नेगेटिव बन गया था कि शायद अखबार नीचे जा रहे हों, शायद पाठक संख्या कम हो रही हो. लेकिन इस रिपोर्ट ने आके बताया कि ये पाठक संख्या में हर भाषा में, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मराठी, सभी भाषाओं में पाठक संख्या बढ़ी है. तो उससे भी जो विज्ञापनदाता है उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा है. और जो दुनिया भर की परेशानियां चल रही थी डीमोनेटाइजेशन की, GST की, आई थिंक उसका भी अब काफ़ी कुछ असर कम हो गया है. तो अब लगता है कि आगे दिन जो है वो थोड़े से बेटर रहेंगे. मैं कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था आपकी कंपनी को लेकर क्योंकि आप आने वाले थे उससे पहले, तो एनालिस्ट कंसर्न थे कि मैनेजमेंट गाइडेंस नहीं दे रहा है एड ग्रोथ को लेकर आगे, और वो शायद टेस्टिमनी है कि बड़ा स्लो ग्रेजुअल एड रेवेन्यू, एड स्पेंड में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा. पर ऐसा नहीं है, आप कह रहे हैं Q4 ऑनवर्ड्स ही वो इंप्रूवमेंट देखने मिल चुका है. तो गाइडेंस नहीं देने को और ये तात्पर्य निकालना गलत होगा. देखिए इसका एक और कारण है हम थोड़े कॉन्फिडेंट क्यों हैं, क्योंकि हमने पिछले साल भर में सर्कुलेशन पे बहुत काम किया है, प्रसार संख्या पे. हमने बिहार में तकरीबन 7 लाख परिवारों को जोड़ा है पिछले 4 महीने में. इसके अलावा गुजरात में, राजस्थान में, सब मिला के जो हमारी प्रसार संख्या पहले 51 लाख कॉपी के आसपास थी जून जुलाई लास्ट ईयर में, आज हम 60 लाख कॉपी पे पहुंच गए हैं. तो जो करीबन 20% की सर्कुलेशन में वृद्धि हुई है उसका भी हमको फायदा आगे वाले आने वाले महीनों में मिलेगा. सर्कुलेशन ग्रोथ मैं आने ही वाला था उस पर, बिहार में पढ़ा था कंटिन्यूसली ये कंपनी ने एक्सपैंड करा है. और उसके अलावा आपने एक सर्कुलेशन ड्राइव एक स्ट्रैटेजी निकाली थी, शायद 10 महीने हुए हैं उसको, ये उसी के फलस्वरूप है कि मैं देख रहा आप कह रहे हैं 20% के आसपास सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ है और ये ड्राइव अभी भी कंटिन्यू हो रही है सर? जी बिल्कुल 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 सर. अगले साल भी हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि अगले आने वाले 9 महीने में भी हमको तकरीबन 5 लाख कॉपी उसमें जोड़नी है. अरे वाह. तो ये तो अब तक हम लार्जली प्रिंट पर फोकस कर रहे थे लेकिन रेडियो, डिजिटल एड रेवेन्यूज, वहां पे क्या हाल चाल? रेडियो में क्या हुआ था, देखिए दो कैटेगरी रेडियो की काफी परेशान कर रही थी उनको, एक रियल स्टेट उनको काफी परेशान कर रहा था और दूसरा गवर्नमेंट कैटेगरी थोड़ी रेडियो पे हल्की हुई है. तो आई थिंक अब ऐसा लग रहा है कि रियल स्टेट भी वापस आ रहा है और गवर्नमेंट भी थोड़ा सा, इलेक्शन आगे हैं तो शायद इम्प्रूवमेंट आएगा. तो इन सबको चलते हुए मुझे लगता है रेडियो का बिजनेस भी इम्प्रूव करेगा. डिजिटल में थोड़ी सी मुझे लगता है ओवरऑल जो एक पिछले 3-4 साल में एकदम से माहौल बन रहा था डिजिटल बहुत तेजी से ग्रो करेगा, वो थोड़ा पिछले 1 साल से सभी के कैटेगरी में, डिजिटल सभी कैटेगरी में थोड़ा ठंडापन आया है. तो डिजिटल चूंकि प्रिंट में वापस बढ़ोतरी हुई है तो डिजिटल थोड़ा ठंडा हुआ है. तो मुझे लगता है आगे आने वाले महीनों में डिजिटल को थोड़ा टाइम लगेगा अभी. जो हाँ कंसर्न थे कि कैसे कंपनी अपने विजिटर बेस को बिल्डअप करेगी, वीक परफॉर्मेंस डिजिटल बिजनेस में देखने को मिला था, तो आप मान रहे हैं दिक्कतें हैं और उसे सुधरने में, हालात बहाल होने में, स्थिति बेहतर होने में अभी समय लगना है. मैं FY19 में एक्सपेक्ट नहीं करूँ. देखिए हम लोग सब पॉजिटिव हैं, मेहनत कर रहे हैं और मार्केट से भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है.
तो उम्मीद की जाती है कि जो ये साल है हमारा वो पिछले साल से बेहतर जाना चाहिए, काफी बेहतर जाना चाहिए। अच्छा, हम जो रेडियो डिजिटल की बात करते हैं, किस तरह का मिक्स है इस समय, प्रिंट पर निर्भरता किस हद तक ये कंपनी डीबी कॉर्प कम कर पाई है सर? ९६% हमारी रेवेन्यू जो है वो प्रिंट से आती है, क्योंकि हमारी कंपनी लार्जली प्रिंट फोकस है। इसके अलावा रेडियो डिजिटल का भी धंधा है, लेकिन जो मूल धंधा है वो है प्रिंट का, और वहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, इसमें आगे और गुंजाइश है। मुझे लगता है अभी खास करके भारतीय भाषाओं के अखबारों को बहुत बढ़िया ग्रोथ आगे आने वाले सालों में मिलेगी। अच्छा, एक दिक्कत की बात होती है आप लोग की, अभी चर्चा वो न्यूज़ प्रिंट की कीमतें, न्यूज़ प्रिंट प्राइसेस, और मैं कहीं पढ़ रहा था कि सिग्निफिकेंटली अप मूव देखने को मिले वहाँ पे, क्या वाकई है? अगर हाँ तो क्या ट्रेंड रहा है और इसको कैसे अब्सॉर्ब करने वाले? न्यूज प्रिंट में देखिए, ये परेशानी एकदम से दो तीन कारण से आई है कि चाइना में थोड़ा सा उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी, अमेरिका में शट डाउन हो गई मिल, और हिंदुस्तान ही एक ऐसी कंट्री है पूरे देश में जहाँ न्यूज़ प्रिंट का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो थोड़ा मिसमैच हुआ। उस वजह से टेम्परेरीली प्राइजर अगले दो तीन क्वार्टर के लिए बढ़ी हुई हैं, और इसमें मेरे हिसाब से अभी हम कुछ भी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए चूंकि अभी अननेसेसरी पाठक पे बोझ डालें और बोलें कि अखबार की कीमत बढ़ा दें आपके लिए, वो मेरे हिसाब से अभी हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये टेम्पररी इशू है दो तीन क्वार्टर का। ठीक है, जाते जाते एक आखिरी सवाल सर, आप फाइनेंशियल्स में ज्यादा पूछूंगा नहीं, क्योंकि आपके तो रिजल्ट्स आने वाले हैं, उस पर आपसे बातचीत होगी। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इस कंपनी की 2016-2017 में इंपैक्ट हुई थी, एक तो वॉल्यूम डिक्लाइन था और दूसरा वो डीमोनेटाइजेशन है, जो मैक्रो एनवायरमेंट में सरकार की तरफ से जो बदलाव किए जा रहे थे, इसीलिए डर था कि ये लोअर ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो शायद कंटिन्यू होती हुई नजर आए। तो आपकी बातों से लग रहा है कि हालात ऐसा नहीं है, अरेस्ट हो चुके हैं हालात, इनफैक्ट सुधरना शुरू हो चुके हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अब FY18 एंड या FY19 ऑनवर्ड्स हालात सुधरते हुए नजर आएंगे ऑपरेशनल फ्रंट पे भी, है ना सर? हम भी बिल्कुल यही उम्मीद कर रहे हैं, इसी विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। ऑन दैट नोट गिरीश अग्रवाल सर, धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, गिरीश अग्रवाल साहब से वापस बातचीत होगी जब ये कंपनी अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पर ड्वेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी से फिर साइलेंट पीरियड पे आ जाती है आमतौर पर कंपनी। तो चलिए, डीबी कॉर्प मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट आगे के आउटलुक को लेकर जो दिक्कतें हुई थी, दिक्कतें खास तौर पे हुई थी इस कंपनी के प्रिंट एड के रेवेन्यूज को लेकर, जिसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला था, जबकि इसके पीयर्स कुछ जो थे पॉजिटिव नंबर्स रिपोर्ट करते हुए नजर आए, तो स्ट्रीट चिंतित थी, इसीलिए आपने देखा था ये स्टॉक 395 के हाई से लगातार वो ठंडा पड़ता हुआ भी ऑफ लेट नजर आया था। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट आगे के आउटलुक को लेकर, आगे की ट्रेजेक्ट्री को लेकर, चलिए डीबी कॉर्प, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद